नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के सिंधरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें तीन आतंकी, पुलिस ने बताया है कि दो से तीन आतंकी ढेर किया गया है। वही साथ ही बता दें कि पुलिस का यह भी कहना है कि सूत्रों से सिधरा क्षेत्र से आतंकियों के जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद से टीम बनाकर सुरक्षा बलों की टीम ने घेराबंदी कर दी और इस दौरान आतंकियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, तो वहीं उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद से सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई गई है। वहीं ट्रक में भारी मात्रा में गोला बारूद और साथ ही विस्फोट भरा हुआ था और आतंकी ट्रक से नगरोटा जा रहे थे। और साथ ही बता दें कि जब सुरक्षा बलों से उन्हें सिंधरा पुल के पास रोका गया, कुछ देर पहले ही इसी क्षेत्र में ग्रेनेड हमला भी हुआ है। बता दें कि मुठभेड़ के कारण सिंधरा मार्ग के पास वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। बता दें कि दृश्यता कमजोर होने के चलते आज दो सौ उनासी ट्रेन जो है निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि बता दें कि 100 से ज्यादा उड़ानें लेट होने की खबर है। दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में इन दिनों शीतलहर चल रही है। तापमान तेजी से लुढ़कता रहा है और घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं घने कोहरे के कारण मंगलवार को राजधानी दिल्ली के कई जगहों पर दृश्यता 50 मीटर तक रही है। इससे दिल्ली आने जाने वालों को 15 ट्रेन देर से चली, जबकि 2 टाइम में बदलाव करना पड़ा है। और बता दें कि घने कोहरे के कारण ट्रेनें यहां लेट चल रही है। साथ ही बता दें कि हवाई यात्रा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दृश्यता कमजोर होने के कारण आज 279 ट्रेन जो है निरस्त किए गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा उड़ानें लेट होने की खबर सामने आई है। बता दें कि घना कोहरा देखने को मिल रहा है उत्तर भारत के कई जगहों में, जहां बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, जहां इन दिनों शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, जिसके कारण जो रेलवे है और साथ ही जो बता दें कि हवाई उड़ाने हैं उस पर इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। इस दौरान जो है ट्रेनें लेट होती भी नजर आ रही है, कई ट्रेनें कैंसिल भी हुई है और साथ ही बता दें कि उड़ान पर भी इसका असर देखने को मिला है। 100 से ज़्यादा उड़ानें जो है वो लेट होने की बात सामने आई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और साथ ही बता दें कि उत्तरी राजस्थान के बाद दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। भारतीय मौसम विभाग के मंगलवार को कहा है कि इस दौरान इलाकों में कहीं बहुत ही घना कोहरा होना छाया रहेगा। उसके बाद भी शीतलहर की कुछ राहत मिल सकती है और साथ ही कोहरा भी कुछ कमी आने की उम्मीद है। दिल्ली में सुबह से ही आज बेहद सर्द है। राजधानी में भीषण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और साथ ही न्यूनतम तापमान जो है 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया है। यह तस्वीरें मिंटो रोड दिल्ली की है, जहां पर बता दें कि दिल्ली से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत के अधिकांश शहर मंगलवार को ही पहाड़ से आने वाले बर्फीले हवाओं से कांपते रहे नजर आई है। साथ ही बता दें कि दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे तक शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहने की संभावना है। साथ ही बता दें कि इसके बाद ही 1-2 दिन थोड़ी राहत की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि नए साल का आगाज हो रहा है और इस दौरान भीषण सर्दी होने के आसार नजर आ रहे हैं। संत कबीर नगर में IGR के भारद्वाज ने बता दें कि खलीलालबाद थाने का औचक निरीक्षण किया है। साथ ही निरीक्षण के दौरान IGR के भारद्वाज ने कोतवाली खलीलालबाद में अभिलेखों की जांच पड़ताल की है और साथ ही चौकी प्रभारियों से असलहों के रखरखाव और साथ ही उनके बारे में जानकारी ली है। बता दें कि IGR के भारद्वाज ने चौकी प्रभारी को अपनी पिस्तल को खोल कर साफ करने के लिए कहा और साथ
थी, मगर दरोगा साहब अपने पिस्तल खोलने में असमर्थ दिखे तो कुछ ऐसे भी दरोगा साहब थे जो गन को चलाना तक नहीं जानते थे। वहीं आईजी रेंज आर के भारद्वाज ने टीयर गन को बारे में जानकारी दी है, और साथ ही बता दें कि इस दौरान कैसे उसको चलाया जाता है इसकी भी वो जानकारी देते हुए नजर आए हैं। यह दारोगा साहब से जानकारी ली गई है, और साथ ही बता दें कि दारोगा साहब टीयर गन को चलाने में तो असमर्थ रहे, पर बार बार कोशिश करने के बावजूद भी टीयर गन बता दें कि लोड नहीं कर पाए। हम लोगों का एक वार्षिक निरीक्षण होता है, जिसके अंदर में हम लोग पूर्व में लगभग दो हफ्ते पहले हम लोग सूचना दे देते हैं, कभी कभी एक महीना पहले, कि हम लोग उस थाने का, वो पुलिस ऑफिस का और डिफरेंट एरिया जो जनपदीय पुलिस है उसका निरीक्षण करेंगे। उसी के तहत हम लोग आज उस थानों का, पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया है, आज क्राइम मीटिंग भी ली है, और उसके अंदर में कुछ कुछ करेक्टिव मेजर्स और जो जो खामियां मिली थी उनको बताया गया है। और इंस्पेक्शन का पर्पज़ होता है कि एक अपने विभाग के अंदर में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हम अपने अपने अधीनस्थों को कहें कि उसके अंदर में इम्प्रूवमेंट लेकर आए, सुधार लेकर आए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सदरे आलम खान जुड़ गए हैं, और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, आईजी निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं और बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है वो टीयर गन्स चलाने में असमर्थ नजर आए, ऐसे में कैसे सुरक्षा कर पाएंगे यहाँ की जनता का? जी जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आईजी साहब का औचक निरीक्षण हुआ था थाने का, लेकिन उसमें देखा गया कि जब उन्होंने असलहे के रख रखा और उसको चलाने के लिए अपनी पुलिस का कौशल देखने की कोशिश की, तो वहीं पर थाने में जब निरीक्षण करने गए तो जब टीयर गन उनको थमाया गया कि ये कहाँ प्रयोग होती है, कैसे प्रयोग होती है, सबको हिदायत दी कि इन पुलिस कर्मियों को कोई कुछ बताएगा नहीं कि ये गन कैसे प्रयोग होती है और इसमें कौन सी गोली लगती है, तो आईजी साहब ने इनको भेजा कि ये जाकर वो गन लेके आए, लेकिन इन्होंने जो है वो डिफरेंट गन की जो गोली लाकर जो साहब ने उसके पिस्टल टीयर गन की नली में वो डालना प्रारंभ कर दिया और उसको फायर भी करने जा रहे थे। आईजी साहब ने जब उन्हें रोका नहीं तो वो महोदय फायर ही कर देते। अब ये पुलिस की कार्यशैली पे बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि जब उन्हें जो है गन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, अगर किसी तरह से कोई आपदा या उनको चलाने की बात आ गई तो वो उसको लोड ही नहीं कर पाएंगे, अपनी जान खुद गंवा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, ये पुलिस पर ही सवाल खड़े करते हैं, साथ ही इस पर भी सवाल खड़े करते हैं कि जिस तरीके से पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है उसमें सारे गन के बारे में विस्तार से बताया जाता है, और साथ इसकी भी ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से इस गन में लोड किया जाए और साथ ही किस तरीके से इस गन को चलाया जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस ट्रेनिंग पर भी सवाल खड़ी करती है। किस तरीके से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो पुलिस कर्मी हैं उनको गन चलाने नहीं आ रहा है, ये गन जो काफी इंपॉर्टेंट है, जब ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसी सिचुएशन आएगी तो कैसे पुलिसकर्मी जनता की हिफाजत करेंगे, वो तो अपनी हिफाजत ही नहीं कर पाएंगे, फिर वो जनता की क्या हिफाजत करेंगे? जी, जब आईजी साहब ने उनको अपनी सर्विस रिवॉल्वर दिया कि इसको खोल के फिर से इसको चेक किया जाए और चेक करने के बाद इसे पुनः उसी अपने मूल रूप में ले आया जाए, तो ये लोग जो है पिस्टल का लॉक भी नहीं खोल पाए, ये है इनकी कार्यशैली। सदरे आलम, इस मौके पर जब आईजी वहां पे मौजूद थे तो जब ये सिचुएशन हुआ उसके बाद आईजी ने क्या किया, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था, उसके बाद उन्होंने क्या इस पर कैसे कार्रवाई की? दो बार पूरे गन के बारे में बताया जाए, इनको प्रशिक्षण दिया जाए, और जो तत्काल इन्होंने पुलिस लाइन में बुलाकर सारे अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई और उनमें जो सीओ को और एसपी को और यहाँ तक कि थाना प्रभारी को भी बुलाया कि आप इसका प्रशिक्षण इनको महीने में एक बार देते रहेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात ये होगी कि जब ये पुलिसकर्मी जो है बदमाशों से या इनसे मुठभेड़ होती रहती है, ये लोग जो है अपना तमगा ऊपर करने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं ये लोग फायरिंग दिखाते हैं, लेकिन जब इन्हें गन
चलाने ही नहीं आती, तो आखिर ये सारे फेक इनकाउंटर या सारी चीजें इनके ऊपर काफी सवालिया निशान खड़े करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिस तरीके से टियर गन जो है उसका जिस तरीके से लोड करते हुए अभी तस्वीरों में पुलिसकर्मी जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको बताना ही सलूशन तो नहीं है ना, उनको इसको लेकर ट्रेनिंग भी देनी होगी, क्योंकि जो सिचुएशन जब क्रिएट होगी, वो जो सिचुएशन होगी उस वक्त हम उनको ट्रेनिंग दे, उनको हम बताकर उसके बाद इसको हम नहीं उस समय उपयोग कर सकते हैं, हमें इसको इसको लेकर पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी जाकर जो पुलिसकर्मी होंगे वो टियर गन जैसे चला पाएंगे। तो आईजी ने ट्रेनिंग को लेकर कुछ बातें कही, ट्रेनिंग को लेकर तो बातें कही, इन्हें ट्रेनिंग देनी है, लेकिन गौर करने वाली बात ये होगी कि संत कबीर नगर जिला जितने भी यहाँ पर एसपी आते हैं सारे ट्रेनिंग के दौरान आते हैं और वो खुद ट्रेंड नहीं होते हैं, तो पुलिस अधिकारियों को ट्रेंड कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, आईजी निरीक्षण करने पहुंचे और वहां के पुलिसकर्मी टियर गन लोड तक नहीं कर पाए ना चला पाए, इस दौरान आईजी को इसके बारे में उनको विस्तार से जानकारी देनी पड़ी, लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है किस तरीके से पुलिसों की ट्रेनिंग दी जाती है जो उनको गन को लेकर उनकी नॉलेज नहीं रहती है, क्योंकि गन जो है कहीं ना कहीं उनको जनता की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, और अगर ये पुलिसकर्मी ही ये टियर गन के बारे में नहीं जान पाएंगे तो किस तरीके से वे जनता की सुरक्षा करेंगे और किस तरीके से वे अपनी सुरक्षा करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। महोबा में कलेक्टर में चिट फंड कंपनियों द्वारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता, बता दें कि परिवार संगठन द्वारा सत्याग्रह प्रदर्शन करते हुए लोगों का करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए कंपनियों पर कार्रवाई की मांग के साथ साथ पीड़ितों के भुगतान कराए जाने को लेकर गुहार लगाई गई है, जिसके लिए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी पीड़ितों के द्वारा सौंपा गया है, जिस पर डीएम ने पूरे मामले में हर मदद का भरोसा दिलाया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरे देश में साथ ही बुंदेलखंड के महोबा में भी तमाम प्राइवेट कंपनियों ने लोगों की मेहनत के पैसों को जमा कर उनके साथ करोड़ों रुपए के ठगी कर डाली है। साथ ही बता दें कि कल्पत्रु और साथ ही कर्मभूमि, टोंगो, सहरसा, पल्स, साथ ही बता दें कि इस दौरान तमाम हजारों ठग की कंपनियां हैं जो, और साथ ही बता दें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा लोगों के साथ ठगी का किया गया है और लोग ठगी का शिकार हुए हैं। इस ठगी में जहां जमाकर्ताओं को अपने जमा पैसे का भुगतान नहीं मिल पा रहा है, वहीं इस कंपनी में बतौर एजेंट काम करने वाले लोग भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गिरोह बनाकर जनता को लूटने वाली इस कंपनी के खिलाफ पीड़ित लामबंद भी हो गए हैं। साथ ही यह वजह है कि यह महोबा में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन द्वारा सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर कलेक्टर में सत्याग्रह प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, और साथ ही प्रदर्शन के दौरान इन कंपनी और साथ ही उनके संचालकों पर भी मुकदमा लिखे जाने के साथ साथ लोगों की जमा पूंजी वापस लाए जाने की मांग की जा रही है। ऐसा कि वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के काफी सारे लोग यहाँ आए थे, उनका ये उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि उनके विरुद्ध जो भी धोखाधड़ी की घटनाएं हुई हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, तो इस संदर्भ में उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, और इसका जो है संबंधित जो भी उच्च अधिकारी होंगे या अन्य अधिकारीगण होंगे उनको संज्ञान में ला करके उनको जो है कार्रवाई जो है त्वरित रूप से संपन्न कराई जाएगी। सर हमारी चार मांगे हैं इसमें। पहली मांग है जिन लोगों के साथ ठगी हुई है उनका पैसा शासन वापस करे, जैसा कि कानून कहता है कि शासन वापस करेगा। दूसरी मांग है जिन एजेंट्स के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके वो मुकदमे वापस लिए जाएं। तीसरी मांग है इन दोनों कानूनों का प्रचार प्रसार शासन करे, ताकि लोग ठगों के झांसे में ना आएं और निर्भयता पूर्वक यहां आकर के अपना दावा दाखिल करें, अपना पैसा वापस लें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इजराइल कुरैसी संवाददाता महोबा से जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से चिटफंड कंपनियों में ठगी का यह मामला सामने आया है, पीड़ित लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी क्या कुछ मांग है? जी मैं आपको बतला दूं, बीते कई वर्षों से जनपद महोबा में चिटफंड कंपनियों का एक मकर जाल फैला हुआ था,
जिसमें यहाँ के भोले भाले लोगों को फंसा कर उनके करोड़ों रुपए वहाँ जमा करा दिए गए और ये कंपनियां 9-2-11 हो गई। जब ये लोग अपने पैसे की मांग करने पहुंचे तो इनके ऊपर मुकदमे भी दायर हुए और इन्हें बहुत उत्पीड़न किया गया। तो इससे लोग परेशान होकर जिलाधिकारी की चौखट पर पहुंचे कि किसी तरह इनका पैसा मिल जाए, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन का झुंझुना ही मिलता है, बाकी कुछ नहीं। इस मामले को लेकर प्रशासन को अवगत कराया गया है, प्रशासन का क्या रुख रहा है? जी, एडीएम महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उच्च कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी इन्वॉल्व है या जो चिटफंड कंपनी के जो भी मालिक है या वर्कर है उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और अति शीघ्र जो भी पैसा जमा है और उनको पैसा दिलाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूर्व में भी सत्याग्रह हुए हैं, बहुत से लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन अभी भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जिससे इन लोगों को पैसा मिल सके। ये लोग बराबर प्रदर्शन करते हैं और कुछ दिनों के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं। इसराइल, लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि जिस तरीके से चिटफंड कंपनियों में ठगी का मामला आए दिन सामने आता रहता है, कई कंपनियां हैं जो ठग के चली जाती है और इसको लेकर लगातार पीड़ित जो है परेशान होते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन उनको कार्रवाई नहीं होती है, उनको अपने पैसे वापस नहीं मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ये लापरवाही है, क्यों वो जमीनी स्तर पर नहीं रहता है जिसकी वजह से इस तरह की कंपनी है उनको श्रेय मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं और पीड़ितों को ऐसे ठगते हुए नजर आते हैं। महोबा मुख्यालय में अभी भी वर्तमान में कई चिटफंड कंपनी है जो चालू है और जो उपभोक्ताओं का पैसा जमा है और उनका पैसा समय पूरा होने के बाद भी वो अपना पैसे की जब मांग करते हैं तो ये चिटफंड कंपनी पैसा वापस नहीं करती है और ये शिकायतकर्ता जमाकर्ता बराबर इनकी शिकायत लेकर प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन केवल जांच का आश्वासन देकर उन्हें चलता करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है और अक्सर ये उत्पीड़न के शिकार उपभोक्ता होते रहते हैं। बिल्कुल इसराइल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये मामला जिस तरीके से महोबा का आपको बता रहे थे, जहां चिटफंड कंपनियों ने ठगी की है जिसको लेकर पीड़ित लगातार परेशान है, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी तमाम मांगे हैं जिसको लेकर अब देखना ये होगा कि इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। और बता दें कि महोबा का ये मामला है जहां पर बता दें कि आप तस्वीरों में देखें किस तरीके से पीड़ित जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान बता दें कि वे ठगी के शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से लगातार प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और किस तरीके से प्रशासन इस मामले को सुलझाती है और किस तरीके से पीड़ितों को न्याय दिया जाता है, यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जनता दरबार लगाकर गरीब मजदूर असहाय लोगों की समस्या सुनकर निस्तारण करते हुए और आला अधिकारियों को दिशा निर्देश देती है, वहीं महाराजगंज जनपद के सिसवा विधानसभा से लगातार दूसरी बार बीजेपी से विधायक प्रेम सागर पटेल का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें उन्हें ही विधानसभा क्षेत्र का एक वोटर सपोर्टर सड़क के निर्माण के लिए सवाल पूछ लिए, इसी की बात को लेकर विधायक आग बबूला होते हुए नजर आए और अपने ही वोटर को खरी खरी सुना दी उन्होंने। साथ ही बता दी कि विधायक ने कहा है कि कोई विधायक आपको चम्मच से हलवा नहीं खिलाएगा, आपकी तरह 1,30,000 जनता घूम रही है, 6 सालों में आप एक बार भी नहीं मिले, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई काम बाकी नहीं है। अब बड़ा सवाल जिस जनता उठता है कि जिस जनता ने विधायक के सिर पर ताज पहनाया, जनता ने जिस विधायक पर भरोसा किया उसी जनता के साथ ये दुर्व्यवहार करना कितना सही है? क्या विधायक अपनी गरिमा को भूल बैठे हैं? जरा सोचिए, फिलहाल अब तो तीर कमान से निकल चुकी है लेकिन वापस कब आएगी ये देखना होगा और जनता इस मुद्दे पर क्या कुछ कहती है ये भी देखना होगा। अरे क्यों नहीं होगा, 75 साल में इतना अच्छी सड़क आप पाए थे। आपको वो दिन याद है जब पहली बार आप विधायक चुने गए थे? क्या हमने कर दिया 2000 साल में? वहाँ आपने कहा कि विधायक ऐसे ऐसे, लेकिन ये सड़क काम आपने किया, लेकिन जो वर्तमान समय में मेन प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके समझ की प्रॉब्लम। अरे हमारे समझ की प्रॉब्लम क्या? तो फिर हम विधायक गड़बड़ है, उसका पर्याय थोड़ा बनने का बनने जा रहा है नाता हूँ, लेकिन आप जनता है, हम भी विधायक है आपके वोट। मेरी बात सुनना, लेकिन आप सुनिए, 6 साल हो गया, पहली बार मेरी बात हो रही है,
कभी आप मिले नहीं है, एक दरखास्त नहीं दिए है, एक बार फोन नहीं किए हैं। तो आप इस तरह की जनता बहुत घूम रही है, 1,30,000 तो फिर बताइए, आप एक बार हमको फोन किए होते। और बता दें आपको कि महाराजगंज से ये खबर है, जहां पर जो विधायक है जनता को ही खड़ी खड़ी सुनाते हुए नजर आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ महाराजगंज से हमारे संवाददाता अजय जायसवाल जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से महाराजगंज से ये वीडियो सामने आया है, जनता जिसे जो विधायक को चुनती है और विधायक ही जब जनता अपने काम को लेकर, सड़क निर्माण जैसी चीजों को लेकर, आम मुद्दे को लेकर विधायक के पास पहुंचती है, तो विधायक उल्टा जनता की हेल्प करने के बजाय आग बबूला होते हैं और उसे खड़ी खड़ी सुनाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कैसे ये देश आगे बढ़ेगा, कैसे वहां की सड़कें और आम चीजें जो है महाराजगंज की वो सुधरेगी? जी, मैं आपको बता दूं कि सिसवां के विधायक अपने हमेशा ये कुछ ना कुछ इस तरह से बोल देते हैं, जो हमेशा विवाद में रहते हैं। अभी उन्होंने जिस तरह से कहा कि कोई विधायक किसी व्यक्ति को चम्मच से हलवा नहीं खिलाएगा, इसका वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा। बता दें आपको कि ये वीडियो तकरीबन 15-20 दिन पुराना है, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने ये कहा कि कोई विधायक किसी भी व्यक्ति को चम्मच से हलवा नहीं खिलाएगा, और हमारा आपकी तरह 1,30,000 वोटर हमारे हैं, हम सबको कहां तक देख पाएंगे। लेकिन अजय, ये विधायक ये भूल जाते हैं कि जब ये वोट मांगने जनता के दरवाजे पर जाते हैं तो यही चम्मच से हलवा खिलाते हैं, ये जनता को मीठी मीठी बातें करते हैं, और लेकिन जब इनके ही क्षेत्र का सड़क निर्माण जैसी आम चीजों के काम बाकी रह जाते हैं तो ये विधायक आग बबूला हो जाते हैं और अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। शहर में प्रेम सागर पटेल इन्होंने टिकट पाया था और ये इनका जीत हुआ, तो चूंकि कोई भी जनता इनके इनके सामने बोलने से कतराती है, क्योंकि ये कब क्या बोल दें कोई जान नहीं पाता है, इसीलिए भाजपा के टिकट पे ये चुनाव जीते थे और उसी का देन है कि ये जनता से इस तरह से बेरुखी से बात करते हैं। बिल्कुल अजय, ये विधायक भूल जाते हैं कि इनकी ताजपोशी जनता ने ही की है और इससे इनको इसलिए ही लाया गया है क्योंकि ये वहां के आम जो काम है और वहां के स्थानीय जो कामे हैं उन पे वो काम कर सके, इसलिए नहीं लाया गया है कि वो आग बबूला हो जाए और जनता के काम को ही वो साइड करते हुए नजर आए और अपने ही अपने कुर्सी का सिर्फ देखभाल वो करे। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। और ये मामला आपको हम बता रहे थे महाराजगंज, जहां पर देखिए सड़क निर्माण जैसी काम को लेकर जब एक व्यक्ति एक विधायक के पास पहुंचता है तो विधायक जी आग बबूला हो जाते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि हम किसी को चम्मच से हलवा नहीं खिलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मामला झांसी के मोट कोतवाली के ग्राम भोजुआ से सामने आ रहा है, जहां पर आधी रात में बदमाश ने एक घर को निशाना बनाया, जिसमें बदमाश ने अहलों को दम पर बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही जिसके बाद पीड़ित महिला ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे दी है और इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल में जुट गई है। गरोठा तहसील अंतर्गत थाना ककरवाई में ग्राम कीचड़ से निकली धसान में एक किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ग्राम कीचड़ निवासी चौकीदार और साथ ही ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई है कि गांव से निकले हुए धसान नदी में एक महिला का शव बरामद किया गया है और साथ ही बता दें कि सूचना पाकर उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं और बता दें कि पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं वो लगातार। झांसी के अंतर्गत आने वाले चौकी क्षेत्र रानीपुर के ग्राम पंचायत टिकरी में आंगनबाड़ी केंद्र में चोरों के द्वारा निशाना बनाया गया है, जिसमें चोरों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में रखे हुए पोषाहार में चोरी कर लिया गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि शारदा देवी, रेखा देवी और साथ ही ग्राम प्रधान उषा कुशवाहा, प्रधान प्रतिनिधि पवन कुशवाहा के द्वारा चौकी प्रभारी रानीपुर में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि जब उनके द्वारा सुबह आंगनबाड़ी केंद्र में मुख्य दरवाजे तक
खोला गया तो वहीं अंदर जाकर देखा तो जिस कमरे में पोषाहार रखा हुआ था उस कमरे का ताला टूटा पड़ा था। साथ ही कमरे में रखा हुआ चना दाल और गेहूं दलिया, साथ ही बता दें कि रिफाइंड की तेल भी चोरी हो चुकी थी। घटना की जानकारी ग्राम प्रधान को दी गई है तो वहीं मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पवन कुशवाहा ने घटना के संबंध में अवगत कराया है। साथ ही पुलिस से अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तहसील गरौठा के अंतर्गत नेपान ग्राम में तासी से लेकर ग्राम नेपान तक जा रही सड़क बनाई जा रही है। आरोप है कि सड़क बिल्कुल मानक और साथ ही गुणवत्ता विहीन बताई जा रही है। सड़क बनाने के सभी नियम ताक पर रखकर सड़क का निर्माण कराया गया है। ग्राम वासियों के द्वारा बताया गया है कि पुराना सड़क को उखाड़ा गया है और साथ ही नई सड़क की जमीनी हुई मिट्टी धूल की सफाई करते गई है। साथ ही बता दें कि पुरानी सड़क पर गिट्टी जो है वो मानक के हिसाब से डामर ना मिलने पर कम मात्र में डामर मिलाकर डमीकरण करवाया गया है। और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। और बता दें कि इस दौरान कम मात्रा में सामान लगाया गया और साथ ही सड़क का निर्माण कराया गया है। सड़क निर्माण में यह बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मानकों के विपरीत होकर सड़क का निर्माण कराया गया और कम सामान की वजह से यह सड़क का निर्माण ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। चलिए, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।